होली के बाद मैं वापस आ गई हूँ दिल्ली। ससुराल से दिल्ली मैं आ गई थी पहले ही, क्योंकि वैभव का जो है ना एग्ज़ाम था मंडे को, इस वजह से मुझे पहले ही आना पड़ा। फेस्टिवल होने के तुरंत बाद ही हम लोग दिल्ली के लिए निकल लिए थे। सुबह हो चुकी है दिल्ली में और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ते की तैयारी चल रही है। और रास्ते में ट्रैवल करने में और घर और फेस्टिवल में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हैवी खाना खाया, तो आज नाश्ते में जो है ना एकदम से लाइट फूड बना रही हूँ। और नाश्ते में है आज पोहा। वो पोहा जो प्लेन पोहा बनता है ना, नमकीन वगैरह डाल के, वही वाला पोहा मैं बना रही हूँ। पोहा खाने का काफ़ी दिनों से मन था, तो मैंने कहा चलो आज मैं पोहा बना ही लेती हूँ। यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ और पोहा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पोहा जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट फूड होता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। वो पोहा देखो जो है ना ऑलमोस्ट बन चुका है। और इसमें आज मुझे अनार के दाने मेरे पास नहीं है, मतलब अनार नहीं रखा हुआ था, वरना अनार के दाने अगर मैं डालती हूँ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन फिर भी जो भी मूंगफली वगैरह और जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, क्योंकि घर से लौटने के बाद अभी मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ, तो जो चीज़ भी अवेलेबल थी वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। और पोहा जो है ना हस्बैंड का काफ़ी दिनों से मन नहीं कर रहा था कि वो अगर नहीं खाते हैं तो जल्दी हमारे घर में बन भी नहीं पाता है, बट आज मैंने बोला कि आज मैं खाऊँगी और मुझे खाना ही खाना है। बोले ठीक है कि तुम बना लो, खा लूँगा मैं भी थोड़ा सा। वैसे पोहा खाना किसे किसे पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा फेवरेट नाश्ते में से जो है ना पोहा और सैंडविच, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इजी टू कुक भी होता है, जल्दी से बन भी जाता है और घर में अवेलेबल होती है चीज़ें तो फटाफट से बन भी जाता है। लेमन जूस इसकी यूज़ कर दे रही हूँ मैं यहाँ पर। और पोहा डालते, जब भी पोहा मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा इसमें चीनी ज़रूर डाल देती हूँ, तो इसमें क्या है ना कि खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। दिल्ली में जब भी हम मार्केट में खाने जाते हैं पोहा, तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। और वो स्टीम में पोहा बनाते हैं और हम लोग कढ़ाई वगैरह में कुक करके बनाते हैं। जो स्टीम वाला पोहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस भी लगता है। ऑलमोस्ट वैसा ही बनाने की कोशिश की है मैंने, बट टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसा बना है। तो पीनट्स वगैरह ऑलरेडी फ्राई करके रख लिए थे मैंने और ऑलमोस्ट पोहा हमारा बन चुका है। लग रहा है ना देखने में एकदम से डिलीशियस वाला, तो चाय और पोहे की बात ही अलग है। सुबह सुबह अगर ऐसा नाश्ता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है ना। तो चलिए अभी सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है ना क्या मार्केट जैसा आया है या नहीं आया है। अभी तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज पोहा काफ़ी दिनों के बाद खा रही हूँ मैं। यहाँ पर दो प्लेट मैंने लगाए हैं, एक मेरा और हस्बैंड का, और वैभव को हम लोग अपने ही प्लेट में खिला लेते हैं, क्योंकि वैभव को अभी अपने हाथ से अच्छे से खाना नहीं आता है। और ये मैं डाल रही हूँ ऊपर से आलू भुजिया। आलू भुजिया से टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे अगर घर में आलू भुजिया ना हो तो कोई दूसरी नमकीन भी डाली जा सकती है ना। आलू भुजिया वैभव की वजह से रहती है, क्योंकि वैभव को नमकीन में आलू भुजिया ही ज़्यादा पसंद आता है, तो इस वजह से मैंने जो है ना वैभव वाला नमकीन इसमें डाल दिया है। ऊपर से डाला है थोड़ा सा हल्का सा धनिया पत्ता, और ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ अगर प्याज पड़ जाता है ना तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, और अगर इसमें अनार के दाने होते तो और ज़्यादा डिलीशियस लगता, बट अभी नहीं है तो प्लेन ही पोहा मतलब बन गया है। तो चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा बना है। तो सबसे पहले सबसे पहले मैं ही टेस्ट करके देख रही हूँ कि इसका जो है ना एकदम परफेक्ट आया है कि नहीं आया है। ये देखो रिएक्शन, मुझे पता चल गया कि अच्छा बना है ना। वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो जा रहा था उस टाइम बनाते हुए। तो लग गई हम लोगों की प्लेटें और हम करने जा रहे हैं पोहा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि पोहा खाना किसको किसको पसंद है। और पोहा की एक प्रॉपर रेसिपी जो है ना वेजिटेबल पोहा की, प्लेन पोहा की, ऑलरेडी मैंने चैनल पर दे रखी है। नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद यहाँ पर वैभव का जो है ना आज है एग्ज़ाम, तो मैं वैभव को तैयार कर रही हूँ। वैभव जो है ना अभी 4-5 दिन घर में घूम कर आए हैं, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है स्कूल वगैरह जाने का। और देखो मुंह बना के तैयार हो रहे हैं कि मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, एग्ज़ाम देने का, बट पेपर है तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। और वैभव को स्कूल जाना 9:00 पे है, तो सुबह सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो जाता है। स्माइल करके हेलो बोल दो।
अरे तो वो जल्दी से वैभव का आज एग्जाम है और वैभव जा रहे हैं पेपर देने के लिए और वैभव को मैंने तैयार कर दिया है, टीका लगा दिया है। वैभव आपका पेपर अच्छा होगा ना, अच्छे से लिखकर आएंगे ना पूरा? ओके गुड बॉय। रोज कलर्स बनाया जाएगा। कलर्स का पेपर है? रोज कलर्स का ही पेपर होता है क्या? रोज कलर्स का ही पेपर होता है। अच्छा अच्छे से पेपर करके आते हैं ना? ठीक। बेल्ट क्यों लगा रखी है इस पे? अच्छा लगता है लेकिन इसमें बेल्ट नहीं लगाई जाती बेटा, ये वाली यूनिफॉर्म के लिए बेल्ट नहीं होती है। अच्छे लगने से मतलब होता, तुम बहुत वैभव जोकर जैसे लग रहे हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। वैभव को स्कूल छोड़ने के बाद अब जो है ना बारी आती है खाना बनाने की, तो यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और खाने में आज है कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी भी खाने का मेरा काफ़ी टाइम से मन था, क्योंकि एक साल से ऊपर हो गया होगा मैंने कटहल की सब्ज़ी नहीं खाई, क्योंकि हस्बैंड को नहीं पसंद है। उनको कटहल जो है ना, उनको लगता है कि कटहल की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है उनको, तो इस वजह से नहीं उनको अच्छा लगता है। बट मैंने आज बोला कि मार्केट में जब भी कटहल मिल रहा था तो मेरा मन था कटहल जो है ना खाने का, इस वजह से मैं कटहल लेकर आई। और एक साल से ऊपर हो गया होगा कटहल की सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, तो कटहल कैसे बनता है मैं ये भी भूल गई थी। वैसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को ये सुन के, मुझे कटहल की सब्ज़ी बनाना नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जो है ना यूट्यूब पे सर्च किया कि कटहल की सब्ज़ी कैसे बनाएं नॉनवेज स्टाइल में, क्योंकि नॉनवेज वगैरह भी मुझे बनाना नहीं आता, मैं खाती नहीं हूँ तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, और मुझे जो है ना कटहल बनाना था नॉनवेज स्टाइल में। तो मैंने फिर यूट्यूब पर सर्च किया, उसमें मुझे पता चला कि कटहल को जो है ना छोटे छोटे पीसेस में पहले आप कट कर लीजिए, उसके बाद उसको बॉयल करके बनाना होता है। तो ये जो कटहल है दिल्ली में मार्केट में कटहल जो है ना मुझे मिला है 60 रुपये पर केजी, तो यहाँ पर मैं 30 रुपये का मतलब हाफ केजी कटहल लेकर आई हूँ। और यहाँ पे कटहल जो है ना फिर वो लोग छील के और काट के देते हैं, बड़े बड़े पीसेस में वो लोग कट कर देते हैं, फिर आप घर में आके उसको अच्छे से साफ करके पानी से, फिर उसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके जो है ना सब्ज़ी वगैरह बना सकते हैं। तो ये ईजी हो जाता है, क्योंकि कटहल को छीलना और काटना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है ना चिपक रहा था, तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल लगा रही हूँ हाथ में और उसके बाद मैं इसे कट कर रही हूं। तो आज मैं कटहल की सब्जी जो है ना बनाने वाली हूँ नॉनवेज स्टाइल में, तो नॉनवेज बनाना तो आता नहीं है इसलिए मुझे यूट्यूब पे सर्च करना पड़ा। और उसके बाद अभी देखिए मैंने यहाँ पर कटहल को बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें डाला है पानी और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक और हल्का सा बहुत ही हल्का सा लाल मिर्च डाल दिया है। अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी और उसके बाद जो है ना देखिए यहाँ पर मैंने इसकी मसाले की ग्रेवी अच्छे से बना ली है। हस्बैंड भी आ गए हैं, बोल रहे हैं चलो देखते हैं क्या बना रही हो, कैसे बना रही हो, क्योंकि बनाना तो तुमको आता नहीं है। यहाँ पर हस्बैंड जो है ना देख रहे हैं कि ग्रेवी वगैरह अच्छे से बना है कि नहीं बना है। देखिए कटहल जो है ना सॉफ्ट हो गया है बॉईल होके अच्छे से, वैसे कच्चा कटहल था तो जल्दी ही सॉफ्ट हो गया। जो कटहल होते हैं ना जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो उनको पकने में टाइम लगता है, बट ये जो है ना एकदम से कच्चा कटहल था, अच्छा था, फ्रेश था। ग्रेवी भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है, देखते हैं कटहल जो है ना वो कैसा बन रहा है। ये देखिए एकदम कढ़ाई भर के कटहल बन गया है और एकदम से नॉनवेज स्टाइल में कटहल बना है। अब इसका टेस्ट कैसा आता है वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा, बट देखने में लग रहा है ना यमी एंड डिलीशियस टाइप का।
वैसे काफ़ी अलग अलग तरीके की सब्जियां और चीज़ें जो है ना ट्राई करने का मन करता रहता है मेरा, तो मैं लाती रहती हूँ और ट्राई करती रहती हूँ। इससे क्या है ना कि एक नया इनोवेशन भी होता रहता है कि हाँ मुझे नहीं आता है तो मैं उसे सीखूँगी और बनाऊँगी और खाऊँगी, अगर अच्छा लगेगा तो जल्द ही हम उसे ट्राई करेंगे और अगर कम अच्छा लगेगा तो फिर कुछ दिनों के लिए भूल ही जाएंगे। यहाँ पर जो है ना वैभव वापस आ गए हैं और वैभव जो है ना ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो मैं और वैभव को खिला रहे हैं खाना। साइड से मैंने मट्ठे के आलू की सब्ज़ी और बना ली थी अलग से, कि अगर कटहल खाने के साथ कुछ और भी खाने का मन करे तो मट्ठे के आलू भी हो। तो हस्बैंड और वैभव दोनों बातें कर रहे हैं, और ये देखिए वैभव जो है ना कार्टून देखते हुए ही खाना खाते हैं, तो ये फ़ोन में कार्टून लगाकर देख रहे हैं और खा रहे हैं खाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।